जय हिंद दोस्तों, आपसे भी कैसे हो, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, मेरे पास एक कमेंट आया था कि सर, यूपी पुलिस में अगर हम सिपाही बन जाएंगे तो हमें कब घर आने को मिलेगा या कब हमें छुट्टी मिलेंगी। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी दूंगा और इसको मैं रिप्ले करके ही बता सकता था, बट मैं सोच रहा था कि इसमें और थोड़ा और इसमें ज़्यादा आपको बता दूँ तो अच्छे से आपको समझ में आएगा। इसमें 7 महीने की ट्रेनिंग होगी। 7 महीने कैसे, 1 महीने की आपकी JTC की ट्रेनिंग और 6 महीने की आपकी RTC की ट्रेनिंग, ठीक है। तो टोटल आपकी 7 महीने की इसमें ट्रेनिंग है, ठीक है। तो JTC आपकी उस जनपद में होगी जहाँ पे आप आमद होगी, जहाँ पे आपको पोस्टिंग होना है, और RTC गैर जनपद में होगी। हालांकि कोरोना के बाद से RTC और JTC एक ही जगह हो रहे हैं, ठीक है। बट छुट्टी की अगर बात करें तो छुट्टी देखिए क्या है कि छुट्टी आपको मात्र 3 दिन की मिलती है RTC में, ठीक है। हालांकि उससे पहले अगर आपको कहीं जाना है, कोई अगर आपका एग्जाम है तो आप एडमिट कार्ड लगा करके छुट्टी जा सकते हो, ठीक है। या फिर अगर आपको कोई घर में आपत्ति हो गई है, मतलब कोई ऐसी दिक्कत हो गई है जो आपको जाना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, या फिर आपकी तबीयत खराब है, मम्मी पापा की तबीयत खराब है, बहुत सारे कारण ऐसे हो सकते हैं और आदमी के सामने आते हैं, ठीक है। तो आप 1 दिन की 2 दिन की 3 दिन की छुट्टी की एप्लीकेशन लिख करके आप जा सकते हो छुट्टी, ठीक है, ये होता है। इसके बाद में क्या है कि जैसे ही आप ट्रेनिंग करके वहाँ से आ जाओगे तो आपको थाने में या पुलिस लाइन में जहाँ भी आपकी ड्यूटी कहीं ना कहीं आपकी लगाई जाएगी, आपको कहीं ना कहीं पोस्टिंग किया जाएगा, ठीक है। तो जैसे ही आप मान लीजिए कि थाने में आ गए, ठीक है, तो वहाँ से क्या है कि जिस दिन आप थाने में आ जाओगे तो आपके वहाँ पर 6 महीने तो आप अंडर ट्रेनिंग रहोगे, आपकी थोड़ी बहुत गलती भी माफ होंगी, ठीक है। तो छुट्टी की बात करें तो साल में आपको 2 तरीके की छुट्टी मिलेंगी, ठीक है, एक CL और एक EL, ठीक है। तो CL छुट्टी आपको 1 साल में 30 मिलती हैं, CL की बात कर रहा हूँ। ये आप कभी भी ले सकते हो, आपको 1 दिन के लिए जाना, 2 दिन के लिए जाना, 3 दिन के लिए जाना है। मान लीजिए कि अभी मुझे अर्जेंट जाना है तो मैं एप्लीकेशन लिख करके जा सकता हूँ तुरंत, ठीक है। तो CL की मान लीजिए कि आपको 1 दिन के लिए जाना है, कोई काम है तो आप एप्लीकेशन लिखिए और चले जाइए, ठीक है। सबमिट जैसे SO से या किसी से करा करके आप जा सकते हो, ठीक है। तो ये चीज़ होती है छुट्टी की, ठीक है। अब इसमें क्या है कि 1 दिन की छुट्टी में हमें मतलब आने और जाने का समय मिलता है। जैसे कल की हमारी छुट्टी है तो आज हम 12 बजे के बाद में हम जा सकते हैं, ठीक है। तो ये आज का दिन नहीं जुड़ेगा, कल की छुट्टी होगी, परसों हम 12 बजे तक आ जाएं, ठीक है, ये चीज़ होती है। अब इसके बाद में क्या है कि दोस्तों देखिए, जो आपकी 30 छुट्टियाँ मिलेंगी ये आपको खर्च करनी पड़ेंगी 1 साल के अंदर अंदर। अगर आपने खर्च नहीं की तो ये आपकी छुट्टी बेकार हो जाएंगी और अगले साल आपको नई छुट्टी मिलेंगी। अब बात करते हैं EL छुट्टी की। देखिए, EL छुट्टी जो है ये भी हमें 30 मिलती है, और ये जो है छुट्टी विशेष परिस्थिति में ली जाती है, जैसे आपकी तबीयत खराब हो, आपकी खुद की शादी हो, माता पिता के इलाज के लिए जाना हो, घर बनाना हो, भाई बहन की शादी हो, इस कंडीशन में आप लंबी छुट्टी लेकर के जा सकते हो, 10 दिन की 15 दिन की 7 दिन की, ठीक है। ये छुट्टी इस विशेष परिस्थिति में ली जाती है, इसके लिए भी आप एप्लीकेशन लिखोगे, ठीक है, या फिर एक फॉर्म आता है, फॉर्म के जरिए मिलती है, ठीक है, ये एक फॉर्म भरना पड़ता है, पूरी डिटेल, फिर करेक्टर रोल में भी चढ़ती हैं ये, ठीक है। बट ये छुट्टी आपको तब मिलेंगी जब आप जोड़ लोगे, ठीक है, आपको हैंड टू हैंड नहीं मिलेंगी। जैसे 1 साल में 30 छुट्टी होती हैं तो 1 साल में आपको पहले जमा करनी पड़ेंगी, फिर अगले साल आप उसको ले सकते हो, ठीक है। जितनी आपकी जमा होंगी उतनी आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है, ये चीज़ होती है। और ये छुट्टी आपने साल में खर्च नहीं की तो आपकी जुड़ती रहेंगी, ठीक है, ये चीज़ इसमें होती है। तो CL में EL में ये अंतर होता है, ठीक है दोस्तों। तो EL की छुट्टी में आपको आने जाने का समय नहीं मिलता है, ठीक है। अब बात करें कि मान लीजिए कि कुछ ऐसी कंडीशन है, जैसे आप पढ़ाई कर रहे हो, आपको एग्जाम है, तो उस कंडीशन में क्या है कि दोस्तों देखिए, आप छुट्टी लेकर के भी जा सकते हो, एक CL छुट्टी लीजिए, आप जा सकते हो एग्जाम देने के लिए। बट यह है कि अगर छुट्टी नहीं मिल पाती है तो आपको एग्जाम छोड़ना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या है कि अगर एग्जाम वगैरह है आपका है, जैसे आप मेरा वीडियो का एग्जाम है, तो मैंने इस समय पे ऑलरेडी परमिशन अपनी करा ली है, ठीक है, मतलब एक एप्लीकेशन लिखी है कि मैं ऐसे ऐसे इस थाने में पोस्टिंग हूँ और ये PN नंबर है मेरा और मेरी एक परीक्षा है इस तरीके से, ठीक है, उसमें मैं सम्मिलित होना चाहता हूँ, तो इस तरीके से परमिशन होकर आ जाती है। तो उस कंडीशन में क्या है कि अगर कोई कितनी भी विशेष परिस्थिति हो, ठीक है, मुझे एग्जाम देने का समय दिया जाएगा, ठीक है, उसके क्या 1 दिन का ही समय मिले, बट 1 दिन की भी मुझे छुट्टी मिल जाएगी, ये होता है, ठीक है। छुट्टी बंद हो या कुछ भी हो, 1 दिन एग्जाम देने का समय जरूर दिया जाएगा, ठीक है। अगर मान लीजिए आपने परमिशन नहीं करा रखी होगी तो छुट्टी अगर बंद है कोई रीजन है तो आपको छुट्टी नहीं मिलेगी, क्योंकि आपने परमिशन नहीं कराई थी, ठीक है। तो ये परमिशन मांगी जाती है कि आपने परमिशन कराई थी, तो ये चीज़ होती है, ठीक है। तो आप परमिशन करा सकते हो अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो, ठीक है, तो ये चीज़ है, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से आप अपने घर जा सकते हो। फिलहाल जैसी आपकी जॉब लग जाएगी और इससे ज़्यादा आप जान जाओगे, ठीक है, तो जब आपकी जॉब लगने के बाद इस भाग में आ पाओगे। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में।